नमस्कार, मैं तनु शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था पीएम पद से इस्तीफा। 1996 के चुनाव परिणाम के बाद 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन एक मत के चलते वे बहुमत साबित नहीं कर सके थे। इसके परिणाम स्वरूप बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा था और सरकार 13 दिन बाद गिर गई थी। बीजेपी को लोकसभा में 161 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 140 सीटें मिली थी। फ्लोर टेस्ट के दौरान वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट और विरोध में 270 वोट पड़े थे। खिर्ज खान ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर आज ही के दिन रखी थी सैयद वंश की नींव। खिर्ज खान ने 28 मई 1414 को दौलत खान लोधी से दिल्ली की सत्ता छीनकर सैयद वंश की स्थापना की थी। खिर्ज खान स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज मानता था। सल्तनत काल में शासन करने वाला ये एकमात्र शिया वंश था। खिर्ज खान ने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके स्वयं को रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट रखा और तुगलक काल के ही सिक्कों का परिचालन जारी रखा। नेपाल में आज के दिन हुआ था राजशाही का अंत। नेपाल में 240 साल से चली आ रही राजशाही का अंत वर्ष 2008 में इसी दिन हुआ था। करीब 10 साल तक चले गैर युद्ध के बाद देश में शाह राजवंश के हाथों से सत्ता जाती रही और इसके बाद से माओवादियों देश की राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हुए। इसके बाद हुए आम चुनाव में 28 मई को ही नेपाल में वामपंथी दल को जीत मिली और वामपंथियों ने सरकार बनाई। आज के दिन हुआ था आजादी के महानायक वीर सावरकर का जन्म। विनायक दामोदर सावरकर का नाम भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों के साथ लिया जाता है। वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी थे। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के ग्राम भागुर में हुआ था। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी द्वारा 28 मई दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्य। मेष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 34%। कारोबार में वृद्धि होगी, यात्रा के योग हैं। आपके शत्रुओं को आतंक से छुटकारा मिलेगा, कार्यभार अधिक रहेगा, मन शांत रहेगा। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला तथा निषेध रंग लाल व सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%। मनवांछित स्थान पर ट्रांसफर के योग हैं। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें। आपको पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग गुलाबी व बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें। आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला व काला। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आमदनी बढ़ने के साथ साथ रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार के सफेद तथा निषेध रंग काला व सलेटी। सिंह, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48%। उपलब्धि एवं अवसरों की प्राप्ति के योग हैं। कार्यों में अनावश्यक अवरोध हो सकता है, परंतु ये सब अस्थाई है। विदेश के लिए इन दिनों में उत्तम योग हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78%। कार्य क्षमता के अनुरूप ही सफलता प्राप्ति होगी। माता पिता की ओर से चिंता हो सकती है। करियर या कारोबार या फिर नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखनी होगी। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला व लाल। तुला, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88%। समय शुभ है, लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों के साथ व्यवसाय के अवसर बनेंगे। परिवार में आंतरिक कलह खत्म हो जाएगी।
कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग है शुभ रंग अल्ट्रावाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला व लाल। वृश्चिक, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से कुछ परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। भाग्य आपके साथ है, समय अनुकूल चल रहा है, निवेश शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%। व्यवसायियों को अच्छे एवं बड़े ग्राहक मिल सकते हैं। पूर्व में जो उधार दिया गया था उसकी प्राप्ति संभव है। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़े, बचत पर ज्यादा ध्यान रहने वाला है। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग मस्टर्ड काला। मकर, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। परिजनों के साथ मतभेद हो सकता है, भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ उठाएं। आप कुशलता व होशियारी से असंभव कार्य को पूरा करेंगे। उद्यमशीलता एवं पहल करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल व पीला। कुंभ, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। कार्य की अधिकता रहेगी परंतु गर्व का भी अनुभव होगा। समय अनुकूल है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संबंधों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल व पीला। मीन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। कारोबार में अनुकूलता बनी हुई है। आकस्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आपके कुछ काम दोस्तों और भाइयों की मदद से पूरे हो जाएंगे। आप स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़े पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।